हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज की एक और फिर से वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैंने किया है कटक्रीज आई मेकअप और यहाँ शेड्स यूज़ करे हैं गोल्डन और पिंक। तो बहुत ही इजी सा आई मेकअप फिर से लेके आई हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिए और सीखिए कैसे किया है आज का मेकअप। और इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल सब्सक्राइब करिए ऐसे ही अमेजिंग आई मेकअप वीडियोस देखने के लिए। तो वीडियो स्टार्ट करती हूँ और बताती हूँ कैसे किया आज का मेकअप। सो आई मेकअप स्टार्ट करने से पहले कंसीलर और लूज पाउडर मैंने पहले ही अप्लाई किया था आईलिड पर, और ट्रांजिशन शेड के साथ शुरुआत करनी है जो कि पिंक शेड है। एंड देन मैंने उसमें ऐड किया थोड़ा ब्राउन कलर और दोनों शेड्स को अच्छे तरह आपस में ब्लेंड कर लेना है। यहाँ पे मैंने एक पेंसिल ब्रश के हेल्प से दोनों शेड्स ब्लेंड किए। एंड उसके बाद थोड़ा सा लिक्विड कंसीलर लेना है और उसके साथ मुझे लिड ड्रॉ करनी है। तो एक कंसीलर ब्रश की हेल्प से मैंने इसे ड्रॉ कर लिया है काफ़ी केयरफुली, और स्लोली स्लोली इस स्टेप को फॉलो करिए और एक नीट सा लिड ड्रॉ करिए। तो यहाँ पे जो मैंने शेड्स यूज़ करे थे वो ब्यूटी ग्लेज्ड कलर स्टूडियो पैलेट से यूज़ करे थे। मैंने कंसीलर से एक लिड फिल ड्रॉ कर ली है और उसे पूरा फिल कर लूँगी कंसीलर के साथ। नेक्स्ट मैंने एक बहुत ही बेबी पिंक काइंड ऑफ पिंक कलर यूज़ किया है और एक फ्लैट शेडर ब्रश की हेल्प से उससे मैं अपने लिड जो हमने ड्रॉ करी थी उसके आउटर पार्ट पे इसे फिल कर रही हूँ। और ये कलर बहुत ही शिमरी सा और बहुत लाइट पिंक कलर है। नेक्स्ट मैंने जो स्टार्टिंग में पिंक कलर यूज़ किया था उसी पिंक कलर से आउटर वी को सही किया है। तो वही ब्रश यूज़ किया, फ्लैट शेडर ब्रश, और उसके हेल्प से मैंने पिंक कलर अप्लाई किया। देन थोड़ा सा ब्राउन कलर वापस से लिया और ग्रेडियंट क्रिएट किया है। देन मैंने रिवर्सल पैलेट से शेड टोपास लिया है और अपने लिड के इनर कॉर्नर को उसी से कवर किया मैंने। और ब्रश यहाँ पे भी मैंने सेम वही लिया है। और यहाँ पे फिर मैं जो गोल्डन पार्ट जो हमने कलर किया था उसके ऊपर मैं थोड़ा सा गोल्डन ग्लिटर लगा रही हूँ। ये भी रिवर्सल पैलेट से ही है, शेड वीनस। और एक पतला सा ब्रश लेना है उसकी हेल्प से। जैसे मैंने यहाँ पे ब्रश लिया था वो ये जिससे आईब्रोज फिल करते वो वाला ब्रश है। फिर मैंने आउटर वी और ब्राउ बोन को सेम पिंक कलर वाले आई शेडो से हाईलाइट किया है। काफ़ी अच्छा हाईलाइटर का काम कर रहा था ये। उसके बाद मैंने ये आईलाइनिंग करी है यहाँ पे लैक्मे जेल काजल के साथ। एक छोटा सा ब्रश लेकर उससे अच्छे से एक विंग्ड आईलाइनर ड्रॉ करना है हमें यहाँ पे। गाइस, अगर अभी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल सब्सक्राइब करिए, ऐसे बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव और ब्यूटीफुल आई मेकअप्स आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेंगे। तो मैंने जो है यहाँ पर लैक्मे जेल काजल के हेल्प से एक अच्छा सा विंग्ड आईलाइनर ड्रॉ किया। एंड उसके बाद मेबेलिन न्यूयॉर्क हाइपर कर्ल मस्कारा की हेल्प से मैंने यहाँ पे आईलैशेस को कोट किया है। सॉरी, थोड़ी सी वीडियो ब्लर हो गई थी। और इसी के साथ मेरा आज का मेकअप कंप्लीट है। मेकअप को फिनिशिंग लुक देने के लिए मैंने यहाँ पे फॉल्स लैशेस भी अप्लाई की हैं, और ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको आज का मेकअप कैसा लगा, और जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ बनाती रहूँ।